नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पर। दोस्तों, इसमें मैं आपने आपको कुछ प्रॉब्लम्स अपनी बता रखी है कि मेरा भांजा इसमें बीमार है, जिसकी वजह से मैं आपको टाइम पर वीडियो नहीं प्रोवाइड कर पा रहा हूँ और वो अभी भी बीमार है और उसका इलाज चल रहा है, जिसकी वजह से मैं आपको टाइम पर वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ। और दोस्तों, आज का जो मेरा स्टडी प्लान था UPSSSC का, वो भी मैं प्रोवाइड नहीं कर पाया हूँ। और दोस्तों, आप टेंशन मत लें, क्योंकि मैं पूरा रिकवर करने की कोशिश करूँगा। अगर एक दो दिन का इधर मिस होता है तो मैं उसके आने वाले जो दिन टाइम होगा उसमें मैं उसको डबल करके दिखाऊँगा आपको, वो जो टर्म होगा उसको भी करूँगा और साथ में ये जो हमारा छूट जाएगा, मिस हो जाएगा, इसको भी मैं उस दिन कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा और सारे के सारे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको कवर किए जाएंगे। तो दोस्तों, आप बिल्कुल परेशान ना हो। चलिए, आज का करंट अफेयर्स भी काफ़ी लेट में आ रहा होगा आपके पास, तो ये सारी वजह सिर्फ उसी वजह से हैं। तो ज़्यादा समय लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का हमारा डेली जीके सेशन। सो गाइज, आज का हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन निकल कर आ रहा है तो वह है, हाल ही में सिंगापुर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों के 50 मीटर बेस्ट स्ट्रोक में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हैं। तो दोस्तों, अभी हाल ही में सिंगापुर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों के जो 50 मीटर बेस्ट स्ट्रोक में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हैं तो वह हैं संदीप सेजवाल, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहां पर 2 सही हो जाता है। ठीक है, इन्होंने जो है प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए इसमें जो है स्वर्ण पदक हासिल किया है। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा जो ये वृंदावल खाड़े हैं, इन्होंने 50 मीटर फ्री स्टाइल कार्यक्रम में 22.68 सेकेंड समय में रजत पदक जीता। ठीक है, कई अंतर्राष्ट्रीय तैराकों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हुए संदीप ने स्वर्ण जीतने के लिए 27.59 सेकेंड के समय के साथ सिंगापुर के मिल रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पर है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2, तो वो है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में साल्ट लेक विश्व कप में तीरंदाजी में किसने स्वर्ण पदक जीता। तो दोस्तों, अभी हाल ही में साल्ट लेक अमेरिका में जो साल्ट लेक विश्व कप है उसमें तीरंदाजी में जो स्वर्ण पदक जीता है तो वो जीता है दीपिका कुमारी ने। ठीक है, आर्चर दीपिका कुमारी ने इसमें स्वर्ण पदक जीता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों, जो आर्चर दीपिका कुमारी हैं, इन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में साल्ट लेक विश्व कप में 6 वर्षों में अपना पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने रिकर्व फाइनल में जर्मनी के मिशेल क्रॉपेन को हराया। ठीक है, और जीत ने सुनिश्चित किया कि जो दीपिका है, अक्टूबर 2018 में जो सैमसंग तुर्की में सीजन के अंत में तीरंदाजी विश्व कप फाइनल होगा उसमें देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। ठीक है, और जो तीरंदाजी है, ये विश्व कप में 6 उपस्थितियों में दीपिका को 2011, 2012, 2013 और 2015 में रजत पदक के साथ संतोष करना पड़ा, लेकिन इस बार उन्हें अंततः गोल्ड मिल ही गया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों, ये जो तीरंदाजी है, विश्व तीरंदाजी, इसका जो मुख्यालय है ये लुसाना स्विट्जरलैंड की ओलंपिक राजधानी में मैसन डू स्पोर्ट इंटरनेशनल में स्थित है। विश्व तीरंदाजी की जो स्थापना है ये 4 सितंबर 1931 को लोवो पोलैंड, जिसे अब लीव यूक्रेन के नाम से जाना जाता है, में स्थापित किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, तो वह है, हाल ही में कहाँ पर आयोजित एक्स अंतर्राष्ट्रीय फोरम में फिक्की को पुरस्कृत किया गया। तो दोस्तों, अभी हाल ही में जो फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, जिसको हम फिक्की बोलते हैं, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये फिक्की का फुल फॉर्म होता है, तो इसने कई उद्योग सदस्यों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और अकादमियों के साथ हाल ही में रूस के शांति मानिसिस्क में एक्स इंटरनेशनल आईटी फोरम में भाग लिया। फिक्की को इस कार्यक्रम के दौरान लगातार 2 साल तक मंच पर इसके समर्थन और सक्रिय भागीदारी के लिए एक पुरस्कार भी मिला। ठीक है, जो खांति मानिसिस्क स्वायत्त ओक्रग उगुरा क्षेत्र की सरकार द्वारा आयोजित मंच ब्रिक्स से उद्योग नेताओं और SCO देशों के साथ साथ अन्य देशों को सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल परिवर्तन के क्षेत्र में सहयोग करने और चर्चा करने के लिए एक साथ लाया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर थोड़ी सी और मैं यहाँ पर जानकारी दे दूँ, ये फिक्की है ये 1927 में स्थापित किया गया था और ये भारत में सबसे बड़ा और सबसे पुराना शीर्ष व्यापार संगठन है। ठीक है, जो दिलीप चेनॉय हैं, ये इसमें फिक्की के इंडस्ट्री बॉडी के वर्तमान महासचिव हैं तो वो हैं दिलीप चेनॉय फिक्की के। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, तो वो है, हाल ही में
हाल ही में सीएम ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो दोस्तों अभी हाल ही में सीएम ऑफ द ईयर पुरस्कार से वसुंधरा राजे को सम्मानित किया गया, जो कि राजस्थान की सीएम है। ठीक है, तो जो राजस्थान की सीएम है यानी कि मुख्यमंत्री हैं वसुंधरा राजे, इनको ई गवर्नेंस में उनके उल्लेखनीय काम के लिए सीएम ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये जो पुरस्कार है ये नई दिल्ली में आयोजित 92वें स्कॉच शिखर सम्मेलन में दिया गया था। ठीक है, समारोह में केंद्रीय इस्पात मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह मुख्य अतिथि थे। ये जो पुरस्कार है इसको समूह के चेयरमैन समीर कोचर से उनकी ओर से सलाहकार परिषद डॉक्टर अनुज सक्सेना और आईटी विभाग आरएल सोलंकी के संयुक्त निर्देशक में राज्य के ओएसडी द्वारा प्राप्त किया गया था। ठीक है दोस्तों, जो इसमें राजस्थान की हमने जो बात की, तो यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं तो वो तो आपको पता ही है, वसुंधरा राजे हैं, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं तो वो हैं कल्याण सिंह। ठीक है, जो कि वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वह हाल ही में AIIB की तीसरी बैठक कहाँ शुरू की जा रही है? तो दोस्तों अभी हाल ही में जो AIIB की है द्विदिवसीय जो तीसरी बैठक है, इसका आयोजन अभी हाल ही में मुंबई में किया जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर एक आपका यहाँ पर सही हो जाता है, AIIB। दोस्तों AIIB जो होती है इसका जो फुल फॉर्म होता है ये आपका होता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, तो इसका जो तीसरी बैठक है ये मुंबई में शुरू हो रही है, और अतीत में 2016 में इसकी बैठक बीजिंग चाइना में और 2017 में दक्षिण कोरिया के जेजू में AIIB वार्षिक बैठक आयोजित की गई थी। ठीक है, और दोस्तों इस वर्ष जो इस बैठक का थीम है यानी कि विषय है वो है मोबिलाइजिंग फाइनेंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन एंड कोलेबोरेशन। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि मोबिलाइजिंग फाइनेंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन एंड कोलेबोरेशन। ठीक है, तो दोस्तों ये जो एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है इसके जो अध्यक्ष हैं तो वो हैं लिकोन जिन, और दोस्तों इसका जो मुख्यालय है ये है बीजिंग चाइना में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, तो वो है हाल ही में 3 दिवसीय वार्षिक सिंधु दर्शन महोत्सव का आयोजन जम्मू कश्मीर के किस क्षेत्र में किया जा रहा है? तो दोस्तों अभी हाल ही में जो 3 दिवसीय वार्षिक सिंध दर्शन महोत्सव का जो आयोजन जो कि जम्मू कश्मीर में होता है वार्षिक, तो इसका जो आयोजन है तो जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में किया जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाता है। ठीक है, तो लद्दाख क्षेत्र में सिंधु नदी के तट पर इसका जो है आयोजन किया जा रहा है, और जो महोत्सव है इसका आयोजन सिंध दर्शन यात्रा समिति और लद्दाख फांडे तोक्सपा लेह ने किया था। ठीक है, और सिंधु नदी में पवित्र डुबकी देश के विभिन्न क्षेत्रों के राष्ट्रीय ध्वज और सांस्कृतिक कार्यक्रम की मेजबानी के द्वारा चिन्हित किया जाएगा। इस वर्ष 22वें सिंधु दर्शन उत्सव को चिन्हित किया गया, और इसे 1997 में पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने शुरू किया था। नेक्स्ट दोस्तों जो क्वेश्चन हमारे यहाँ पर है वो है हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर हैं? तो दोस्तों अभी हाल ही में जो सेशल्स के राष्ट्रपति हैं डेनी फोरे, वो अभी भारत की यात्रा पर है, यानी कि ऑप्शन नंबर एक आपका यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, तो भारत की यात्रा पर है, और ये भारत की पहली द्विपक्षीय यात्रा पर है। इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत और रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र सहित दोनों देशों के बीच व्यापक सहयोग की समीक्षा की है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, तो वो है हाल ही में सऊदी अरब अरामको और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ने किस राज्य की रिफाइनरी परियोजना के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों अभी हाल ही में सऊदी अरब अरामको और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ने आपका ये महाराष्ट्र के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका एक यहां पर सही हो जाएगा, महाराष्ट्र के साथ जो है महाराष्ट्र राज्य सरकार की जो रिफाइनरी परियोजना है इसके लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा और जानकारी इसकी दे दूं कि जो सऊदी अरामको और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी यानी कि ADNOC ने महाराष्ट्र की रत्नगिरी में एक एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स को संयुक्त रूप से विकसित करने और निर्माण करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, तो वो है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए सूर्य शक्ति किसान योजना की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों अभी हाल ही में जो गुजरात है तो इसके द्वारा अभी हाल ही में सूर्य शक्ति किसान योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है,
तो गुजरात सरकार ने किसानों के लिए और ऊर्जा योजना सूर्य शक्ति किसान योजना की शुरुआत की है, जिससे उन्हें अपने कैप्टिव खपत के लिए बिजली उत्पन्न करने के साथ साथ अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में बेचने और अतिरिक्त बकाया कमाई करने में मदद मिलती है। ये जो घोषणा है ये गांधीनगर में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने की थी, और ये योजना है इसके अनुसार मौजूदा बिजली कनेक्शन वाले किसानों को उनकी लोड आवश्यकताओं के अनुसार सौर पैनल दिए जाएंगे और राज्य और केंद्र सरकार परियोजनाओं की लागत पर 60% सब्सिडी देगी। किसान को 5% लागत झेलना होगा, जबकि 35% उन्हें 4.5 से 6% की ब्याज दरों के साथ एक किफ़ायती रेट के रूप में प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर बात की गई है गुजरात की, तो इस गुजरात के समय मुख्यमंत्री हुए हैं विजय भाई रूपानी और जो गुजरात के गवर्नर हैं वो हैं ओम प्रकाश कोहली। तो नेक्स्ट और अंतिम जो क्वेश्चन है हमारा आज के इस जीके का, तो वह है हाल ही में अमेरिकी कवि और लेखक डोनाल्ड हॉल का भी निधन हो गया है, तो ये कितने वर्ष के थे। तो दोस्तों अभी हाल ही में अमेरिकी कवि और लेखक डोनाल्ड हॉल का हाल ही में निधन हो गया है, तो ये आपके 89 वर्ष यानी कि 89 वर्ष के थे। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट जीके पॉइंट्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों आपको आज का आपको मैंने रीजन भी बताया है और मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ उसकी वजह से, तो अगर आपको आज का UPSSSC प्लान के अकॉर्डिंग जो आज का आपका विषय है हिस्ट्री उसका भाग 4 है आज के टाइम टेबल के हिसाब से, अगर मुझे टाइम मिल पाता है तो मैं शाम को रात में 7 या 8 बजे के पास करीब आपको अपलोड कर दूंगा। अगर नहीं हो पाता है तो मैं कल उसको अपलोड करने की कोशिश करूंगा और साथ में जो हमारा टाइम टेबल कल का होगा उसको भी मैं वहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।